अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक और रमज़ान का चांद मुबारक। और हम यहाँ बाहर जा रहे हैं, आज चांद रात है, बस रमज़ान भी स्टार्ट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है रोज़े। मुझे बहुत इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर हम लोग आए हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए। आज चांद रात है और वही रश है यहाँ पर, सब ही अपने सहरी का और अपनी ग्रॉसरी वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी रश थी, हमें ट्रॉली वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी, बट हम लोगों ने ले ली और अपना सामान रख लिया आराम से। और उसके बाद हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए और यहाँ पर उर्वा की मस्तियाँ चल रही हैं खूब, क्योंकि वो तो फुल एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे जूते वगैरह बहुत अच्छे आए हुए, तो मुझे यहाँ पे खूसे बहुत अच्छे लग रहे थे, ख़ासतौर बच्चों के। मुझे बच्चों की चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी अपनी भांजी हैं तो इसी वजह से मुझे उनकी चीज़ें बहुत पसंद हैं। मेरी बहन को माशाल्लाह बहुत शौक़ है, वो भी लेती रहती है। और यहाँ पे अम्मी अपने लिए देख रही हैं और ये तो मुझे बहुत पसंद आए थे, ये भी लिए अम्मी ने और एक वाइट लिए, वाइट तो बहुत ही प्यारे थे। और वहाँ पे आगे मेरी भांजी, सुनिएगा, वो से बस मेरा ही था, भाई आप लो या आप अपने ले लो, मुझे यह बोलती है। तो बस यहाँ पर शॉपिंग चल रही है। ये वाइट वाले बहुत प्यारे थे, प्राइस भी बहुत अच्छी थी, इतनी नहीं थी, लेकिन वाइट और पिंक बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये दोनों अम्मी ने अपने लिए लिए हैं और यहाँ पर बस उर्वा की मस्तियाँ चल रही हैं। और ये सेक्शन मुझे बहुत पसंद है, ज्वेलरी का वॉच वगैरह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह भी बहुत अच्छे आए हुए थे, बहुत अच्छी वॉच थी। और यहाँ पर उर्वा की अपनी मस्तियाँ चल रही हैं। और बर्तन भी बहुत ही अच्छे थे, जब जाओ तब दिल करता है भाई ये वाले सेक्शन को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ से मैंने एक बाउल लिया है, बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह वो वाला बाउल लिया। कप्स वगैरह थे यहाँ पर, वैसे कप्स इतने अच्छे नहीं आए हुए थे इस दफ़ा, ग्लास बहुत अच्छे थे। बस यहाँ पे चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बाउल्स वगैरह बहुत ही अच्छे आए हुए थे रमज़ान के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। और यहाँ पे जार वगैरह बहुत अच्छे थे। और ये बस शैम्पू वगैरह का एरिया था, वहाँ पर मैंने नहीं जाना था। और यहाँ उर्वा और आशिर खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ से बिलिंग ऊपर वाली करवाएंगे, ग्रॉसरी की नीचे से होती है और जो ऊपर की चीज़ें होती है वहाँ की बिलिंग ऊपर ही होती है। तो बस हम लोग नीचे जाएंगे, जो हमारा ट्रॉली वाला सामान है उसकी बिलिंग करवाएंगे। काफ़ी ज़्यादा रश थी, बहुत रश थी यहाँ पर, और मैं बस दूर ही खड़ी हुई। अम्मी वहाँ से मटन वगैरह ले रही, हम लोगों ने मटन लिया है और ये सारी चीज़ें ले ली। बस यहाँ से बिलिंग वगैरह करवा के इंशाल्लाह घर की तरफ जाएंगे। और जैसे ही हम लोग नीचे गाड़ी से उतरे हैं तो उर्वा को आइसक्रीम वाला नज़र आ गया, तो उसने आइसक्रीम ले लिया, आइसक्रीम ले ले। और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, घर जाके मैं आपको बहुत अच्छी एक रेसिपी दूंगी, सहरी के लिए मैं बनाऊंगी। चले जी, आज हम बना रहे हैं चांपे, वो भी सहरी के लिए मैं बना रही हूँ, हमारी फर्स्ट सहरी है। और उसमें दिल कर रहा था भाई कुछ अच्छा सा खाया जाए, तो उसके लिए हम बना रहे हैं बकरे के ये चांपे हैं जो इस तरह की कट हुई हैं। मैं खुद ही अपनी मम्मी के साथ गई थी और मैंने ऐसी कट करवाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये सिंपल और बहुत ही आसान बन जाती हैं। इसके लिए हम लोगों ने चांपे ले लिए हैं और यहाँ पर मसाला है, वैसे ये मसाले मिक्स हुए हुए हैं और इसमें मैंने लाल मिर्च भी डाली है, कोरमा मसाला भी डाला है और थोड़ा सा मिक्स मसाला भी डाला है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाला मिक्स मसाला। और इसमें बस लाल मिर्च, थोड़े से मसाले लाइट रखूँगी क्योंकि सहरी कर रहे हैं तो दोपहर के टाइम भूख और क्या बोलते हैं प्यास ना लगे, तो इसलिए इसी वजह से भी मसाले थोड़े से कम ही डालेंगे। साथ हमें तली हुई प्याज चाहिए जिसे मैंने पीस लिया है, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये चाहिए साथ चांपे।
तो बस इन सब चीज़ों को मैं ऐड करूँगी एक बाउल में, इन्हें मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करूँगी। चलो मैंने बाउल ले लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी ये चांपें, सारी की सारी डल जाएंगी। और इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ये टमाटर और ये हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया था, ये पूरा चला। और इसमें डालूँगी साथ ही लहसुन अदरक डाल दूँगी, ये भी पूरा चला जाएगा। और साथ दही भी पूरा चला जाएगा, साथ ये तली हुई प्याज है ये मैंने, ये भी सारी चली गई। और ये मसाले बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही है, तो बस मैं इसे साथ मिक्स करूँगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है भैया आपने इसे मिक्स करते जाएंगे, और इसे आपने ओवरनाइट रखना है। जैसे आप शाम के टाइम लगा कर रख लें और सहरी के टाइम इसे बना लें, हल्के से फ्लेम में बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके साथ पराठे रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी और इसे अच्छा सा मसाला वगैरह मिक्स हो जाएगा, और इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसे थोड़े से ऑयल में बस इसे रख देना है और ढक ढक के पकाते जाना है। जितना अच्छा ये कुक होंगे बहुत अच्छे कुक होंगे, और इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए फुल मसाला मैंने लगा लिया और मैं अभी इसे रख दूँगी। और वैसे सहरी से पहले बनाऊँगी, एक घंटा डेढ़ घंटा पहले बनाऊँगी, क्योंकि स्टीम में बनेंगे तो इसलिए मैं अभी इसे रख दूँगी। और फिर इंशाल्लाह सहरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। चलो जी आज फर्स्ट सहरी है तो इसमें थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। और वैसे भी सबको बहुत पसंद है, कोई दही से खा लेगा कोई इससे खा लेगा, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, वैसे इसमें मैंने पहले प्याज भी ब्राउन किया था लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है ज़रूर। मैंने इसे तकरीबन 3-4 घंटे रखा होगा, क्योंकि मैंने 7 बजे के साथ इसे मसाला लगाया था और अभी 12 हो रहा है, तो भाई सहरी तक टाइम हो जाए, मतलब सहरी से पहले ही रेडी हो जाए तो अच्छा है, अच्छी सी सहरी हो जाए, फिर से अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ लेंगे। तो मेरा मसाला अच्छा टाइम से मैंने लगा कर रख दिया था, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस अब मैं इसे ऑयल में ऐड करती हूँ और इसे कुक करते हैं। चलो अभी देखिए हमने ऑयल में ऐड कर दिया है, और ये अपना ही दही पानी छोड़ेगा, चांपे अपनी छोड़ेंगी पानी, तो उसमें ये कुक हो जाएगा बहुत अच्छे तरह से, और इसकी स्मेल भी नहीं रहेगी क्योंकि हमने लहसुन अदरक भी पहले से लगाया हुआ था, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस मैं इसे अब मिक्स करके ढक दूँगी, बस ये अभी ढक दिया, अभी ये पकता रहेगा हल्के। अभी थोड़ी सी कसर रहती है गोश्त गलने में, क्योंकि गोश्त गला हुआ ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता, अच्छा सा गल जाए और बहुत ही मज़े का बनेगा, क्योंकि अपने ही पानी में बन रहा है, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। और जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी और उसके बाद बहुत मज़े का तैयार हो जाएगा। तो बस सहरी हमारी आज की ऐसी ही होगी, और यहाँ पे माशाल्लाह देखिए मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए है चाहिए तो इसी वजह से थोड़ी सी ग्रेवी रहने दूंगी। बस सालन हो गया हमारा डन, इसमें हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर दूंगी और बस इसे डिश आउट कर लूंगी। बहुत ही मज़े का टेस्टी बना था, सबको बहुत ही पसंद आया था, और सहरी भी बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हो गई थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सहरी थी और सब ही माशाल्लाह बहुत ही खुश थे। यहाँ पर सहरी की तैयारी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सालन हमारा हो गया तैयार, और साथ ही मामा बना रहे हैं पराठे चाय और दूध बॉयल हो रहा है, जिसकी अपनी मर्जी होगी मिल्क शेक पी लेगा और दूध पी लेगा क्योंकि प्यास ना लगी। इसी वजह से मैंने तो रोटी खाई थी और भाई जो है वो पराठे खाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए पराठे बन रहे गर्मा गर्म मज़े के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट सहरी बहुत ही अच्छी हुई है, और रूटीन सेट होते तो टाइम लगता है लेकिन फर्स्ट सहरी हम लोगों ने आज कर ली है। और प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें और आगे
मेरे भांजों की वीडियो एंजॉय करिएगा। दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सुहान और हनी, तो इनकी वीडियो कर एंजॉय। Oh. Hi. Bye bye.